हाँ है ना, है ना, सुनो ना, सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सुनो, सुनो ना। अच्छा सुनाओ, तुम्हारा हस्बैंड लेट सिटिंग्स करता है क्या? नहीं, वो तो लेटने के बाद बस लेट ही जाते हैं, सिटिंग करने जैसी उनकी हालत ही नहीं रहती। मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ। अच्छा, टाइम पे घर आते हैं? हाँ, पहले नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा टाइट किया कि अब 6 बजते ही उनकी गाड़ी घर के अंदर होती है। अच्छा, और ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी अम्मी कहती हैं कि जो हस्बैंड लेट ऑफिस में बैठे उसे अपनी वाइफ से प्यार है। ये कैसी बात है, इसका प्यार से क्या ताल्लुक है? काम होता है उनके ऑफिस में। ओ भाई, कोई काम वाम नहीं होता, वो मुझे बताते रहते हैं। उनके ऑफिस में जो बाकी बैंकर्स हैं ना, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस से चक्कर चल रहे हैं। चक्कर? हाँ, मेरे हस्बैंड इस शहर के वाहिद बैंकर हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड्स मतलब ये कि बैंक के मल्टीपल पैसे तो बैंकर्स की गर्लफ्रेंड्स पे लग रहे होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है, 6 बजे अगर हस्बैंड घर ना आए ना, तो समझो वो किसी और के घर पे। क्यों, ऑफिस में भी तो हो सकता है। हाँ, अगर झूठ बोल रहा हो तो। सी राइट ऑन द टाइम। ओ चलो, तुम जाओ फिर। अच्छा सुनो, तुम क्यों पूछ रही थी, सब ठीक है ना? हाँ, ऐसे बस ऐसे। सुनो एमन, जरा ख्याल रखना, यहाँ लोग ऑफिस के नाम पे ना पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। सज्जाद मुझसे झूठ नहीं बोलता, यही सबसे बड़ा झूठ होता है। देखिए 101 तलाकें जुमेरात रात 9 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।